दोस्तों अगर आप एक इंकजेट प्रिंटर खरीदना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये प्रिंटर होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं और क्या आपके लिए इंकजेट प्रिंटर बेहतर रहेगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। तो आपने लेजर प्रिंटर के बारे में सुना है और आज बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर होते क्या है। अगर आप लेजर जेट प्रिंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो में पहले ही बात करूँ। अब बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर होते क्या है और ये काम कैसे करते हैं। मान लो आप कोई नया प्रिंटर खरीदना चाहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि ये काम कैसे करता है, ताकि अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो या फिर कभी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे खुद सॉल्व कर सकें या फिर आपको जो ज़्यादा कॉस्ट होता है उसे बचा सकें। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। जो आपका जो इंक जेट प्रिंटर होता है इसके अंदर जो ड्रम होता है उसके अंदर साइफिल होते हैं या फिर कई प्रिंटर होते हैं जिसमें अलग से इंक टैंक दिया होता है। उन इंक टैंक के जरिए जो जो स्याही होती है उसे आगे पहुँचाया जाता है पीवीसी पाइप के जरिए। अब बात करते हैं ये काम कैसे करती है। मान लो जो ये प्रिंटर है इसमें जो इंक है उसे आप किसी पेपर पर उतारना चाहते हैं तो इसके अंदर जो हार्डवेयर लगे हुए हैं वे उन्हें आपको स्कैनर के जरिए या फिर किसी दूसरे तरीके के जरिए आप उसे इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि ये आपको प्रिंट करना है। तो वो हार्डवेयर है उसकी इमेज अपने अंदर बनाता है, यानी प्रिंटर के प्रोसेसर होता है उसके अंदर वो उसकी इमेज तैयार करता है इसे इस प्रकार काम करना है। उसके बाद जैसे ही वो पेज उसके अंदर आता है उसमें जो ऊपर जो रोलर लगा होता है यानी कि जो इंक फैलाता है वो लगाता है, उससे वो उसके अंदर प्रिंट करता है पेज को। यानी कि आपने देखा होगा जो इंक जेट प्रिंटर होते हैं उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है क्योंकि उसको प्रिंट करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि उसमें अगर कलर अलग है तो उसे वो कलर बनाने होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इंक जेट प्रिंटर होते हैं उसके अंदर सिर्फ चार ही कलर दिए होते हैं, मगर उन्हें प्रिंटर होता है वो खुद नए कलर बनाता है, इसलिए उसे कलर बनाने में साथ ही साथ उन्हें पेपर पर प्रिंट करने या फिर पेपर पर फैलाने में टाइम लगता है। मगर जो इंक जेट प्रिंटर होते हैं इनमें आपने कई बार देखा होगा कि जो पिक्सल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि जो प्रिंटर है उसमें जो उसने साइन फैलाई वो पिक्सल्स में नहीं, वो सिर्फ सीधी कलर में फैलाता है, यानी कि जो जितनी भी साई है उसे सीधी आप जैसे ब्रश करते हैं उसी प्रकार उसमें वो साई फैलाता है, इसलिए इसमें पिक्सल्स थोड़े अच्छे मिलते हैं। मगर इसमें साई साइड वाले पिक्सल्स में फैल जाती है, यानी कि दो पिक्सल के बीच में गैप नहीं रहता क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। और अब देखते हैं कि ये आगे ये जैसे आपने उसमें पेज उसमें डाला तो ये साई भी लगभग कुछ हीट होती है, यानी कि इसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है। और अब इसकी बात करें डिसएडवांटेज की, तो मान लो आपके पास इंक जेट प्रिंटर है तो आप इस प्रिंटर में अगर आप इसको कई दिन तक काम में नहीं लेंगे तो इसमें जो नोजल्स होती हैं वो इसकी सूख जाएंगी या फिर आपकी साई सूखने का डर रहता है। अगर आप इसमें आप कई दिन तक काम में नहीं लिया इसमें आपकी जो नोजल होती है उसे बार बार क्लीन करना पड़ता है, या फिर अगर साई आपने कई दिन काम नहीं लिया तो इसकी जो नोजल्स है वो जाम हो जाती है, इसके जरिए इन्हें सही करवाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। वैसे इंक जेट प्रिंटर आपको सस्ते मिल जाते हैं लेजर जेट प्रिंटर के मुकाबले, मगर लॉन्ग टर्म में ये जो इंक जेट प्रिंटर ये आपको महंगे पड़ते हैं। जो उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा इंक जेट प्रिंटर बेहतर होता है या फिर लेजर जेट, और ये भी पता चल चुका होगा कि लेजर जेट प्रिंटर काम कैसे करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।